Welcome to the video programming CS4102. I'm Rabnaz from Comsat University Islamabad Bihari campus. This is lecture number 9, part A. आज हम retrieve image को कैसे retrieve करना सीखेंगे window form के ऊपर. हमने database के अंदर image store करना सीखा था previous lectures में, तो आज हम इसको retrieve करना देखते हैं कि इसको कैसे retrieve कर सकते हैं. तो जिस image का मैं retrieve करना चाहता हूँ वो एक data table में मैं उसको get कर लेता हूँ. तो क्यूरी लगाता हूँ, हमने वही डेटा की क्लास यूज की, उसे गेट डेटा टेबल का फंक्शन बनाया है, एक्सेस किया है और उसको क्यूरी पास किया है कि सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर, वो कस्टमर मुझे वापस कर दो. उस कस्टमर का रिकॉर्ड मैं रिट्रीव करना चाहता हूँ, वेयर आईडी इज इक्वल टू, जिसकी आईडी कम्बो बॉक्स से जो वैल्यू मैंने सिलेक्ट किया उसके मुताबिक हो. तो उसका कोड मैंने ये लिखा हुआ है. तो उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे जंप कर गए थे. उसके बाद फिर क्योंकि हम प्राइमरी की बेस पे इसको रिट्रीव कर रहे हैं, तो हमें डेफिनेटली एक ही रिकॉर्ड रिट्रीव होगा. तो इसलिए मैंने बीटी जो डाटा टेबल है उसकी रो जीरो लेके उसको कॉलम पिक्चर यानी फील्ड को सिलेक्ट किया है. रो जीरो जो आएगी और फील्ड में पिक्चर वाली सिलेक्ट कर रहा हूँ. हमारे पास यहाँ पे आईडी आएगा, नेम आएगा, एड्रेस आएगा, आप जो मर्जी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम इस दफा तो पिक्चर यूज करेंगे कि हम पिक्चर के साथ प्रोसेसिंग करना चाह रहे हैं. उस पिक्चर को मैं एक बाइट टाइप की रे में कन्वर्ट कर रहा हूँ और बाइट टाइप की रे में कन्वर्ट करने के बाद एक बाइट टाइप की रे में स्टोर करवा रहा हूँ. और फिर मैं इस बाइट टाइप की रे को एक मेमोरी स्ट्रिंग के अंदर स्टोर करवाता हूँ. मेमोरी स्ट्रिंग एक ऑब्जेक्ट है, ये किस लिए होता है मैं अभी डिस्कस करता हूँ इसको आपके साथ. देखिए हम ये एक क्लास है जिसकी मदद से आप डाटा को मेमोरी में स्टोर करवा सकते हैं कि हम आपको इसके डिस्क के बजाय रखने के बजाय फाइल की जरूरत में रखने के बजाय इस डाटा को मैं मेमोरी के अंदर स्टोर करवाना चाहता हूँ. तो वो ताकि इसको हम फर्दर यूज कर सकें फौरी. और फिर भी एक बिटमैप का है, बिटमैप का जो क्लास है वो आपकी इमेज क्लास जो होती है वो अब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है. अब्स्ट्रैक्ट क्लास से आप डिफरेंट टाइप के इमेज जो इम्प्लीमेंटेशन क्लास है वो बिटमैप की क्लास है. तो मेमोरी स्ट्रीम से मैं एक बिटमैप जनरेट करता हूँ और यानी कि एक पिक्चर की एक टाइप है ये, और इसको फिर मैं अपने पिक्चर बॉक्स की इमेज प्रॉपर्टी में सेट करवा देता हूँ. आप इस कोड को देख लीजिएगा, हम इसको कोडिंग में भी इलेबोरेट करेंगे. ओके, तो मेमोरी स्ट्रीम क्या है? मेमोरी स्ट्रीम में पहले ही डिफाइन कर चुका हूँ कि आप एक डाटा को अगर आप मेमोरी में स्टोर करवाना चाह रहे हैं, आप बजाय इसके कि आप इसको डिस्क पे स्टोर करें या नेटवर्क पे स्टोर करें, अपने पास रखना चाह रहे हैं इसकी पूरे के पूरे स्ट्रीम को, तो मेमोरी स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट यूज करते हैं. और बिटमैप की क्लास जो है वो इमेज क्लास की इम्प्लीमेंटेशन क्लास है. तो ये स्टूडेंट इस कोड को हम अपने विजुअल स्टूडियो में देखते हैं. विजुअल स्टूडियो में पहले इस पे काफी काम कर चुका हूँ, तो हम व्यू करते हैं सॉल्यूशन एक्सप्लोरर और सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में फॉर्म टू पे चलते हैं, फॉर्म वन पे चलते हैं. तो फॉर्म वन पे ये काफी चीजें मैं पहले दो लेक्चर इसके डिलीवर कर चुका हूँ, लेकिन अनलकली वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया या कुछ करप्ट हो गए थे, अपलोड नहीं हो पा रहे थे. तो इस पे मैं अब ये करना चाह रहा हूँ कि पूरा का पूरा पहले डाटा इस बटन के क्लिक करने के अगेंस्ट मैं इसमें डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ. तो इसके कोड बिहाइंड लिखते हैं हम. डाटा टेबल मैं गेट करता हूँ, तमाम कस्टमर का मैं डाटा रिट्रीव करने के बाद एक डाटा टेबल में रखता हूँ और इस डाटा टेबल को मैं एक ग्रिड व्यू की डाटा सोर्स में लगा देता हूँ. और ना सिर्फ ग्रिड व्यू में अटैच करता हूँ बल्कि कम्बो बॉक्स में भी अटैच करता हूँ. कम्बो बॉक्स में मैं इसलिए अटैच करता हूँ कि कम्बो बॉक्स के सिलेक्ट करने से ही हम उसकी इमेज को सिलेक्ट करेंगे और कम्बो बॉक्स डॉट डिस्प्ले में एम्बर करेंगे उसका नेम, यानी कि कम्बो बॉक्स की जो हमारे पास वैल्यू जो डिस्प्ले सामने होगा उसकी वो नेम होगा और उसकी जो वैल्यू मेंबर है वो मैं इसको आईडी कर रहा हूँ, यानी पर्टिकुलर नेम सिलेक्ट करने पे उसकी जो सिलेक्शन होगी वो उसकी आईडी की सिलेक्शन होगी. तो इसको मैं एग्जीक्यूट करके देख लेता हूँ. ये मेरे पास कोड मैंने प्रॉपरली चेंज नहीं किया है. व्यू सॉल्यूशन एक्सप्लोरर व्यू, हम क्या करें अपने मैं फॉर्म वन पे चलता हूं. ओके, इस बटन को मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए ये सारा इसमें भी रिकॉर्ड डिस्प्ले हो गया और इसमें भी हो गया.
अब इसके मैं सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज पे मैं इस यहां पे हमारे पास एक मैं ये देखिए ये मैं इमेज जो इसको डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूं, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। इसको हम कैसे परफॉर्म करते हैं ये देखते हैं। हमने ये तो कर लिया कि डिस्प्ले हो गया हमारे पास, लेकिन अभी जब आप सॉरी फॉर्म वन पे चलने हैं हमें और इसके प्रॉपर्टी में जाएं और इसके इवेंट सिलेक्ट कर लें, सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज कमिटेड, वहां पे चलते हैं। वहां पे हम फिर इसका कोड को फिर रिव्यू करते हैं, वही कोड जो मैंने स्लाइड में एलैबोरेट किया था कि हम कम्बो बॉक्स एक डाटा टेबल से फिर रिट्रीव करवाते हैं उस रो को, कम्बो बॉक्स की जो सिलेक्टेड वैल्यू होगी उसके मुताबिक, और उसको फिर मैं एक डाटा टेबल में स्टोर करवा रहा हूँ। डेटा टेबल क्योंकि रो हमारे पास एक ही आएगी तो इसलिए जो पहली रो होती है उसका इंडेक्स 0 होता है, और उससे फिर जो फील्ड है वो मैं पिक्चर सिलेक्ट करता हूँ। आप इसका भी इंडेक्स दे सकते थे 0, पिक्चर का इंडेक्स आपको देखना पड़ेगा डेटाबेस में कि हमारा कौन सा आएगा, लेकिन मैंने यहाँ पे पिक्चर लगा लिया। अगर आप नेम करना चाहते हैं इसकी फील्ड को तो आप नेम रखते, लेकिन मेक श्योर करें कि आपका ये मैच कर रहा हो। आपने हमेशा पिक्चर नहीं लेनी, आपने डेटा टेबल में इस फील्ड का जो नाम रखा है वही आप यहाँ पे असाइन करेंगे। और इसके बाद फिर मैं इसको बाइट टाइप की रे में कास्टिंग कर रहा हूँ यहाँ पे स्टूडेंट्स। कास्टिंग करने के बाद उसको एक बाइट टाइप की रे ARR में स्टोर करवा देता हूँ। एक मेमोरी स्ट्रीम की क्लास लेता हूँ और मेमोरी स्ट्रीम की क्लास लेने के बाद उसको स्टोर करवाता हूँ मेमोरी स्ट्रीम क्लास में, और एक बिट मैप लेता हूँ, न्यू बिट मैप, और बिट मैप को मैं स्टोर करवाता हूँ मेमोरी स्ट्रीम को स्टोर करवाता हूँ इस बिट मैप यानी कि बिट मैप को जनरेट करवाता हूँ उस मेमोरी स्ट्रीम के जरिए, और फिर इस बिट मैप को साइन कर देता हूँ मैं पिक्चर बॉक्स के इमेज के साथ। तो इसे इंडेक्स चेंज होने से क्या होता है हम जरा इसको देखते हैं। पहले मैं डेटा शो करवाता हूँ, अभी अभी जो कोड है इसका जो इंडेक्स चेंज होता है, तो जैसे ये होगा एक रो सिलेक्ट होगी और उसका जो इमेज होगा वो लेके उसको अरे में कन्वर्ट होके अरे से मेमोरी स्ट्रीम में, मेमोरी स्ट्रीम से बिट मैप में, बिट मैप से हमारा यहाँ पे शो हो रहा है। आप इसको मेक श्योर करें कि इसको स्ट्रेच मोड में रखिएगा, जो इंपॉर्टेंट चीज है बताने वाली, इस इमेज की प्रॉपर्टी जाके लाजमी सेट कर लीजिएगा यहाँ से इसको स्ट्रेच। अगर ये आप इसको किसी और प्रॉपर्टी में रखेंगे तो शायद आपका ग्रिड व्यू या किसी और फॉर्म में ये डिस्प्ले हो रहा हो। तो आज हमने ये देखा, इस कोड को मैं दोबारा देखना चाहूंगा कि पहले मैंने इसको डबल क्लिक करने के बाद आपने इसको इसके दोनों इसमें फिल किया है हमारे कम्बो बॉक्स और डेटा ग्रिड व्यू में हमने डेटा को फेच कर लिया है, फिर यूजर जिसको चाहता है उसके इमेज हमारे पास डिस्प्ले होता है। स्टूडेंट इससे मेरे पास एक नया आइडिया भी जनरेट हुआ है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ। आइडिया ये है क्योंकि ये मैं फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि एक लेक्चर प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, तो लेकिन वो मैंने बना लिया था, तो वो मैं आपको आइडिया इसके ऊपर शो करवाता हूँ पहले, और फिर उसके मुताबिक हम मैं आपको उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारे पास है कि हम इसको पहले चेंज कर लें अपने प्रोग्राम के अंदर जाके कि यहाँ पे Form 3 को शो करवाएं। आइडिया ये है कि मैं सारी अपनी एनिमेशन बगैर क्लिक किए अपनी पिक्चर को एनिमेशन फॉर्म में लगाना चाह रहा हूँ, कि ऐसे मैं क्लिक नहीं कर रहा, थोड़ी देर पहले पिक्चर डिस्प्ले हो, प्रोग्रेस बार चल रही है, दूसरी पिक्चर डिस्प्ले हो, प्रोग्रेस बार चल रही, तीसरी पिक्चर डिस्प्ले हो, चौथी पिक्चर डिस्प्ले हो और पांचवी पिक्चर डिस्प्ले। कैसे हो रहा है स्टूडेंट्स ये मैं आपको इस कोड में हम करते हैं। ये जो आपकी असाइनमेंट एल्बम की चल रही है आप उसमें इसको यूज कर सकते हैं, ताकि अगर यूजर अपनी सारी पिक्चर डिस्प्ले करवाना चाहता है और बगैर क्लिक किए एंजॉय करना चाह रहा है, अपने सारा रिकॉर्ड देखना चाह रहा है, तो फिर उसके वो इसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं।
तो आइए स्टूडेंट इसको देखते हैं हम इसको कैसे बनाएंगे। इसके लिए हमें दो चीजें आज नई सीखनी पड़ेंगी, बहुत मजे की हैं, बहुत आसान है। एक तो टाइमर का कंट्रोल है और एक है आपका आपका प्रोग्रेस बार। दोनों को मैं समझाने की कोशिश करता हूं एक नए फॉर्म के ऊपर। तो हम क्या करते हैं यहां पे ऐड कर देते हैं ऐड विंडो फॉर्म, ओके फॉर्म फोर, और इसको मैं क्या करता हूं मेन में जाके इसको डिस्प्ले करवा देता हूं। तो मेन क्लास हमारी प्रोग्राम की है, फॉर्म फोर को डिस्प्ले करवाते हैं। ओके तो फॉर्म फोर जो है मेरे पास यहां पे ये हम लेते हैं, सॉरी ये बटन तो नहीं चाहिए था, चलें टाइमर का कंट्रोल हम आपके पास है एक, उसको आप क्या करें टाइमर लिखता हूं, टाइमर का कंट्रोल हो गया। आप इस फॉर्म को ऊपर ऐड करते हैं, जैसे ऐड करेंगे आपके पास ये टाइमर यहां पे ऐड हो जाएगा। इसका एक इवेंट है टिक, यानी कि ये एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इवेंट जनरेट कर देगा आपके, और उस इवेंट के आप इसका एक ही इवेंट है टिक, तो इस इवेंट के अगेंस्ट जाते हैं और हम इसमें क्या करते हैं फॉर्म इस फॉर्म फोर के ऊपर लेबल लगाते हैं और इस लेबल के मैं टेक्स्ट प्रॉपर्टी को सेट कर देता हूं किसी से भी नहीं। तो अब ये जो इवेंट है इसका टिक का फॉर्म लोड का इवेंट भी हमारे पास बन गया ये टिक का। इसमें मैं जाकर जब ये टिक हो तो मैं चाहता हूं कि हमारे पास लेबल के अंदर टेक्स्ट जो है उसमें प्लस इज इक्वल टू हम क्या कर दें ए कर दें, यानी कि वो हमेशा उसके साथ ए का एडिशन करता जाए। इसको मैं देखता हूं कि हमारा टिक काम कैसे करता है। हमारा टिक अनेबल करना पड़ता है हमेशा, आपको याद रखिएगा। इस टाइमर को मैं क्या करता हूं इसकी प्रॉपर्टी में जाके ये स्टार्ट में डिसेबल्ड होता है। तो मैंने इसको अनेबल किया, ये देखिए बहुत तेजी से टिक टिक जनरेट हो रही है। टिक जनरेट होने के बाद ऑटोमेटिक हो रहा है, मैं इसके साथ कुछ नहीं कर रहा। तो इसकी आप स्पीड कम कर सकते हैं विद प्रॉपर, इसकी एक प्रॉपर्टी है कि अगर 1000 मिली सेकंड में होती है 100 रखिए तो आप इसको 1000 कर दें। ठीक है, ओके आप इसको 3000 कर लेंगे तो ये 3 सेकंड के बाद होगी, 4000 कर देंगे 4 सेकंड के बाद होगी, तो मैं इसको 2 सेकंड कर देता हूं। ओके तो ये हमारा है टिक कि हम जब हम कोई इम्प्लिसिट काम करना चाहते हैं खुद ब खुद होता रहे कुछ देर के बाद, तो मैं टाइमर का इवेंट लेता हूं। मैं इसके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं कर रहा, कोई बटन नहीं लगाया हुआ, वो ऑटोमेटिकली हर दफा ए हमारे लेबल के अंदर ए का अपेंड कर रहा है, हर टिक के इवेंट के अगेंस्ट वो टिक जनरेट होता जा रहा है। तो मैं अपना जो आइडिया वो इसी तरह इम्प्लीमेंट करूंगा कि मैं रिकॉर्ड रिट्रीव करूंगा और रिट्रीव करने के बाद डिस्प्ले करवाता जाऊंगा। ओके अब हम दूसरा चीज भी सीख देते हैं कि प्रोग्रेस बार क्या, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आप प्रोग्रेस बार को यहां पे, तो ये प्रोग्रेस बार मैंने यहां पे अटैच कर दी है। हर टाइमर के इवेंट के बाद इसमें मैं एक का इजाफा करता जाऊं,
या दो का इजाफा करता जाऊं या तीन का इजाफा करता जाऊं, तो ये ऑटोमेटिकली फिल होती जाएगी। सॉरी, फॉर्म वन, ये फॉर्म फोर है। तो हमारे पास ये है, progress bar 1 dot value is equal to plus is equal to 1, उसमें एक का इजाफा कर दें, जरा देखते हैं इसका क्या सिचुएशन बनती है। ठीक है, इसको आप तेजी से फिल करवाना चाह रहे हैं तो इसमें क्या करें, 10 का कर दें, टोटल इसकी आप 100 वैल्यू दे सकते हैं। टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10। अब 10 के बाद ये 100 हो गया, तो फिर वो 100 से ऊपर जब करेगा तो वो इसमें ज्यादा वैल्यू आ नहीं सकती, एरर आ गई। तो जब आप 100 हो जाए तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो इफ प्रोग्रेस डॉट वैल्यू इज 200, यहाँ पे चल जाए, इफ प्रोग्रेस बार डॉट value is greater than or equal to is less than 100 है तो ये करो, मैंने इसमें इजाफा करते जाओ, और अगर नहीं तो इसको जीरो से स्टार्ट कर दो, ताकि हम इसको प्रोग्रेस बार डॉट डॉट वैल्यू मैंने कोड क्या लिखा है, इज लेस देन 100। तो ये लेस देन 100 ही थी, तो एल्स नहीं लिखा है, तो यहाँ पे इसका एग्जीक्यूट करवाते हैं, देखें जरा। टाइमर और प्रोग्रेस बार दोनों आप सीख रहे हैं, और उम्मीद है ये दोनों आपको बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे होंगे। जितनी हम चीजें सीखते जा रहे हैं, या आप इससे बहुत एप्लीकेशन की लुक एंड फील को बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये देखिए हमारा फिर वो स्टार्ट हो गया जीरो से। तो स्टूडेंट, ये हमने आपने देख लिया है इसको हम कैसे परफॉर्म करते हैं। अब हम चलते हैं अपने फॉर्म थ्री की तरफ, जिसमें हम एनिमेशन क्रिएट कर रहे हैं। तो मैं इसको फॉर्म थ्री को चलता हूँ। अब किया मैंने ये है कि इसको देख लेते हैं कि ये कैसे हमारा प्रोग्रेस बार, हाँ टाइमर के अगेंस्ट पे मैंने वही कोड लिखा है, लेकिन मैंने किया क्या है इसको जरा देखते हैं कि इमेज सेलेक्ट हो रही है, और जब इमेज पूरी हो जाती है तो टाइमर भी रीस्टार्ट हो जाता है और इमेज भी। जरा यहाँ पे इस कोड को देखते हैं फॉर्म थ्री पे। तो फॉर्म थ्री पे जाने के बाद मैं क्या करता हूं, इसके सबसे पहले जब फॉर्म लोड होता है तो मैं तमाम रिकॉर्ड रिट्रीव कर लेता हूं, ये जरूरी है। अगर आप इसको टाइमर में दिखेंगे तो हमारा हमेशा हमारा एक ही रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा। तो हम क्योंकि ये दो इवेंट में रख रहे हैं, दो इवेंट में यूज करेंगे, तो जब भी आपने कोई ऐसा वेरिएबल या कोई ऑब्जेक्ट जो दो में जगह पे यूज होना है,
तो आप उसको ग्लोबल रखें। तो मैंने इसलिए डेटा टेबल और उसकी रो जीरो से स्टार्ट करूंगा, ये यहाँ पे कर लिया और इसको इनिशियलाइज कर दिया है फॉर्म लोड के ऊपर। फिर टिक के ऊपर जाके, ये तो कोई वैसी कोड था पुराना जो है, टिक के ऊपर जाके मैं चेक करता हूँ कि हमारे जो रो की वैल्यू है वो डेटा रो डॉट काउंट उससे छोटी है, उसे उसके बराबर है, उससे बढ़ तो नहीं गई। अगर उससे बढ़ जाती है तो फिर हम क्या करना चाहते हैं, रो को जीरो यानी रीस्टार्ट कर दें, प्रोग्रेस की वैल्यू को जीरो कर दें। और अगर रो जीरो से स्टार्ट होती है पहली, वो पहली रो को दिखाएगा फिर दूसरी रो को दिखाएगा, लेकिन साथ साथ वो चेक भी करता जाएगा कि उसकी रो अगर 100 है तो वो 199 तक रहेगा, अगर 50 है तो 49 तक, अगर 10 है तो 9 तक, अगर 5 है तो ये 4 तक, 0 से लेकर 4 तक डिस्प्ले करेगा। अगर वो डेटा रो डॉट काउंट यानी हमारे अगर 5 रो हुई डेटा बेस में, डेटा टेबल के अंदर 5 रो रिट्रीव हुई है, तो हम चलेंगे 0 से लेकर 4 तक। तो अगर ये उससे छोटा है तो फिर हम else में चला जाएंगे और प्रोग्रेस बार को 20 से मल्टीप्लाइड कर दिया। आप इसको देख लीजिएगा क्योंकि मेरे पास अभी ये मैंने फिक्स वैल्यू दी है, तो ये जो है 5 पिक्चर तक फिल हो जाएगा। उसके बाद फिर वही मैंने डेटा रो जो भी रो आई है, हमारे पास 1 आई है, पहले 0 पे चलेंगे, फिर 1 पे चलेंगे, फिर 2 पे चलेंगे, ऐसे जितनी हमारे पास रो रिट्रीव होती है उनके मुताबिक, और उसकी पिक्चर को लेके मैंने बाइट में कन्वर्ट करके बाइट में स्टोर किया, फिर इस बाइट को मेमोरी स्ट्रीम में स्टोर करवा दिया है, और इस मेमोरी स्ट्रीम को मैंने बिट, इस मेमोरी स्ट्रीम के जरिए एक बिट मैप जनरेट किया है, बिट मैप को मैंने पिक्चर बॉक्स में स्टोर करवा दिया और रो को मैंने प्लस प्लस कर दिया। जब नेक्स्ट टाइम कहीं इवेंट आएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रो जीरो आई थी तो इसको फिर वन से यानी अगली पिक्चर डिस्प्ले करवाएंगे, और चेक करते करते अगर रो की तादाद हमारी जो है वो डेटाबेस में जितने रिकॉर्ड है उनसे बढ़ गई तो फिर हम इसको जीरो से स्टार्ट कर देंगे। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी, अगर नहीं आई तो फिर इसको हम ऑनलाइन सेशन में दोबारा डिस्कस भी कर लेंगे। जरा कोड मैंने आज लिखा नहीं है क्योंकि, तो ये आपकी जो असाइनमेंट है उसके ऊपर इसको आप अच्छी तरह दोबारा, असल में कोड सारे वही है, एक टाइमर देखा हमने और एक ये कोड है, जरा इसी को ऑर्गेनाइज किया हुआ है कि हमारे पास बाइट लेते हैं हम, जो रो होती है उसको बाइट में कन्वर्ट करते हैं, फिर मेमोरी स्ट्रीम में रखते हैं, मेमोरी स्ट्रीम से हम बिट मैप जनरेट करते हैं, और एक टाइमर का टिक इवेंट है, और दूसरा टाइम, दो तीन चीजों का ख्याल रखिएगा जब आप ये पिक्चर बॉक्स लेते हैं तो इसको स्ट्रेच मोड में लगाइएगा, नॉर्मल से स्ट्रेच मोड में, मैंने अभी तक इसको नॉर्मल में ही तक रखा था। और दूसरा ये है कि आपने जब टाइमर लेना है इसको इनेबल कर लीजिएगा, उसकी प्रॉपर्टी टाइम से सेट कर लीजिएगा इसको, जो भी आप इसकी प्रॉपर्टी लेते हैं, जो भी जिसके भी आप इसको काम करना चाहते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपके लिए ये लेक्चर काफी इंटरेस्टिंग होगा। अब तक ये अल्लाह हाफिज, हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नई इंटरेस्टिंग चीजें सीखेंगे, कुछ नया चीज करेंगे, मैं इसको जल्दी से जल्दी फिनिश करना चाहता हूँ ताकि हम कुछ नए काम को कर सकें, हम ASP.NET पे वेब प्रोग्रामिंग पे जम्प कर सकें। स्टूडेंट अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।